भी हमारी रिपोर्टर वहां से जुड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ भी बीजेपी की झोली में जाता हुआ 50 सीटों पर यानी हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। वहां पर 46 चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। फासला बढ़ रहा है, लगभग 11 सीटों का फासला कांग्रेस से होता हुआ दिखाई दे रहा है सुमी। और आपसे भी बात करके इस तरह के संकेत मिल रहे थे, क्या हम माने कि महादेव ऐप स्कैम सबसे महंगा पड़ा भूपेश बघेल को, क्योंकि पीएम ने उसको आवाज दी और उस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। कोई चेहरा नहीं था बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी के ही नाम पर वहां भी चुनाव लड़े हैं। जी बिल्कुल, अब तो ऐसा ही साफ हो रही है चीजें कि महादेव बुक ऐप का जो ये स्कैम था, अलेज स्कैम था, वो शहरों पे जो असर छोड़ के गया है वो काफी भारी पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही ट्रेंड्स आ रहे हैं, रायपुर जो सेंट्रल सिटी है, रायपुर उसकी 7 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, जो हमने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट हमारे इंटरनल असेसमेंट में भी ये बाहर आ रहा था कि रायपुर की 5 सीटों पर शायद कांग्रेस लीड करेगी और 2 सीटों पर बीजेपी की बढ़त होगी। लेकिन अभी ऐसा है कि 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और इनफैक्ट कांग्रेस के सारे 10 मिनिस्टर्स अभी पीछे चल रहे हैं, इंक्लूडिंग भूपेश बघेल एंड टीएस सिंहदेव। तो ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं कि शायद कांग्रेस के लिए तस्वीर बदलने वाली है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि पीएम मोदी का चेहरा यहां पर चमक गया है, जाहिर सी बात है पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर ही लोगों ने, स्पेशली औरतों ने यहां पर वोट किया है। जो महातारी वंदन योजना है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, वो योजना मास्टर स्ट्रोक बनकर उभर रही है। और उसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ की बात कर लें तो उन्होंने प्योर हार्टेडली, मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के नाम पर इस बार वोट, क्योंकि बघेल साहब कम से कम अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, नहीं तो वो भी पीछे चल रहे थे। ऐसी नौबत आ गई थी, तस्वीरें हम महारथियों की भी दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की चर्चा चुकी हो रही है। बघेल साहब अपनी सीट पर, उन्होंने कहा था विजय बघेल के लिए कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, उस दिन वो बड़ा वायरल भी हुआ था वोटिंग वाले दिन। थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट उनको मिल गई है क्योंकि वो आगे हो गए। ऐसे टीएस सिंहदेव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शरद हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी बने हुए हैं मध्य प्रदेश। संजय जी जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ में तकरीबन 19-20 राउंड गिनती होनी है और अभी किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में 2 राउंड पूरी नहीं हुई है, 2 से ज्यादा कहीं पूरी नहीं हुई है। तो हो सकता है ये ट्रेंड अर्ली ट्रेंड है, अभी बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत फासला बढ़ गया है। लेकिन अंजना जी देखिए, 20 राउंड में सिर्फ 2 राउंड की गिनती अभी हुई है। हाँ, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, काफी इंतजार, थोड़ा रियलिस्टिकली होकर चलना पड़ेगा। सेंचुरी के नीचे फिसल गए सुधांशु जी। और बघेल साहब के घर के बाहर से भी हमारे साथ, अशोक गहलोत के घर के बाहर से जय किशन जुड़े हैं, आपके पास भी आ रही हूँ। लेकिन ये 99 पर सुधांशु जी, 99 पर मामला पहुंच गया है राजस्थान में, 99 वर्सेस 77। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि अंतिम परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि बहुत बेहतर हम जीत पाएंगे। मगर अंजना जी, इसमें एक और बात है, हमारा 99 है, अभी 100 में एक कम है, अभी हम 100 से काफी आगे निकलेंगे, पर ये 99 तो एक है, उस 77 में कितने भेद हैं इसका तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। क्योंकि राजस्थानी वो राज्य है, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वो वीडियो याद होगा ना आपको कि एक सज्जन मंच पे नारा लगा रहे थे सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, अचानक उनको डपट दिया है कांग्रेस के एक नेता ने आके और कहा नारा लगाओ अशोक गहलोत जिंदाबाद, और इतना ही नहीं कहा अशोक गहलोत जिंदाबाद राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसके अंदर ये हालत हो, और वो सचिन पायलट और उनका वाला तो अलग है, वो सबको पूरा पता है। तो ये जो आपको 76 दिख रहे हैं, फिर हम 100 हो गए, 76 हो गए, इस 76 में कितने 36 के आंकड़े हैं, ये इतना अंदाजा आसान नहीं है। और हमारा जो 100 है, जो हमारा मानना है 120-125 तक पहुंचेगा, वो पूरा एक है, एक छत्र है, इंटैक्ट है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए हमारी और उनके कॉन्फिगरेशन में, संरचना में भी बहुत अंतर है, संख्या के साथ संरचना पर भी ध्यान दीजिए।